एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ये हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी ही पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो पहला क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टनर विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड टू इशू ई बैंक गारंटी। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इन मंथ ऑफ अक्टूबर ई बैंक गारंटी लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब कोटक महिंद्रा बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम पूछा जा सकता है, इनका नाम है दीपक गुप्ता। क्या नाम है? दीपक गुप्ता। और रिसेंटली न्यूज में था कि इसके नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, जिनका टेन्योर जो है नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होएगा। तो इनका नाम भी पूछा सकता है, तो क्या नाम है? अशोक वैष्णवी। क्या नाम है इनका? अशोक वैष्णवी। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन जो बन सकते हैं कि सबसे पहला बैंक जिसने ई बैंक गारंटी इशू किया था, तो ये बैंक है आपका HDFC बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। और पहला पब्लिक सेक्टर बैंक जिसने लॉन्च किया था ई बैंक गारंटी, तो ये आपका हो जाता है कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक। नेक्स्ट इज, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई ग्लोबल हैकाथन हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे फरवरी के मंथ में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है? आरबीआई इंट्रोड्यूसेस द सेकंड एडिशन ऑफ इट्स ग्लोबल हैकाथन हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द थीम इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। थीम आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, लास्ट ईयर की थीम भी पूछी जा सकती है, विच वॉज स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। ठीक है, 2021 की थीम थी ये। Now next statement है, the EzeTap Mobile Solution Private Limited became the winner in a innovative, easy to use digital banking services for differently abled या दिव्यांग category। Next statement है, the Dignify Ventures Private Limited India was announced winner of a exploring use cases or a solution for central bank digital currency retail transactions including transactions in a offline mode। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द वीव एयर सिंगापुर वॉज अनाउंस्ड द रनर अप अंडर द इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन पर सेकेंड TPS थ्रूपुट एंड स्केलेबिलिटी ऑफ अ ब्लॉकचेन कैटेगरी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, द बुनाफा इंडिया बिकेम द रनर अप अंडर द रेगटेक्स सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट मोर एफिशिएंट कंप्लायंस फॉर अ रेगुलेटेड एंटिटीज। तो यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ये आपके कैटेगरी थी ना, इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड थ्रूपुट एंड स्केलेबिलिटी ऑफ अ ब्लॉकचेन कैटेगरी, इसमें कोई रनर अप था ही नहीं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई ग्लोबल हैकाथन हरबिंगर 2023। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक और चीज जो इससे रिलेटेड है, जो ये सेकेंड एडिशन था, ठीक है, इसे फरवरी में अनाउंस किया गया था एंड इसे होस्ट किसने किया था? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो विनर होते हैं उनका अगर आपको प्राइस पूछा जाए कि क्या प्राइस उन्हें दिया जाता है, तो यहाँ पे 40 लाख का अमाउंट जो है वो दिया जाता है आपके विनर को। ठीक है, वहीं पे जो रनर अप होते हैं, रनर अप को 20 लाख का यहाँ पे प्राइस जो है वो रखा गया है। ठीक है, ना यहाँ पे सारी कैटेगरीज देख लेते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे थी। इनोवेटिव, इजी टू यूज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इसमें विनर कौन थे? EzeTap मोबाइल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे रेजर पे ने एक्वायर कर लिया है, ये इंडिया की आपकी कंपनी है। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इसके रनर अप कौन थे? POS मिरर इंडिया एंड यहाँ पे सेकेंड रनर अप आपके थे SL अवतार। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है रेगटेक सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट मोर एफिशिएंट कंप्लायंस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, इसमें विनर थे वीव एयर सिंगापुर। ठीक है, और रनर अप कौन थे? इट इज मुनाफा इंडिया। नेक्स्ट इज, एक्सप्लोरिंग यूज और केसेस और सॉल्यूशन फॉर अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन इन अ ऑफलाइन मोड। तो इसके विनर कौन है? इनका नाम है डिग्निफाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया की कंपनी है, एंड रनर अप कौन रहे हैं? इट इज क्रंचफेस डिजिटल कैश AB, जो स्वीडन की कंपनी है, एंड IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन पर सेकेंड थ्रूपुट एंड स्केलेबिलिटी ऑफ अ ब्लॉकचेन, इसमें आपके विनर थे फोर्टिस नेट लिमिटेड, जो UK की आपकी कंपनी है। ठीक है, now next is, name the country that became the first country that has successfully test fired a medium caliber maritime electromagnetic railgun from an offshore platform. तो इनमें से कौन सी आपकी वर्ल्ड की पहली जो है ऐसे कंट्री बनी है जिसने इस रेल गन को जो है टेस्ट किया है, ठीक है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द जापान. किसने किया है? जापान ने किया है. अब जो ये रेल गन है बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज करती है ताकि जो इसके प्रोजेक्टाइल हैं उस हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के लिए, ठीक है? अब ये बनाया किसने है? बेसिकली जो जापानीज, इसे टेस्ट किसने किया है? जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स अलोंग विद द एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी ATLA ने इसे सक्सेसफुली मिलकर जो है लॉन्च किया है, ठीक है? अब देख लेते हैं इस रेलगन के बारे में. ये मीडियम साइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है जो शूट कर सकती है 320G 40mm स्टील राउंड्स बुलेट को, ठीक है? अब इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि अभी इसे इंडक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है? इसे 2025 के बाद जो है इंडक्ट किया जाएगा, इसके बहुत सारे टेस्ट होने के बाद, ठीक है? जापान डिफेंस सिस्टम में इसको जो है इंडक्ट किया जाएगा आफ्टर 2025. अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. जैसे जापान के PM पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है फूमियो किशिदा. आप सभी को पता है इसकी कैपिटल कहाँ है? टोक्यो में है. और आपकी करेंसी क्या है? इट इज येन, जापानीज येन, ठीक है? नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड द कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट टू एनहांस द क्वालिटी एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ अ इंडियन कॉटन. तो ये किसने लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, ठीक है, पीयूष गोयल जी ने. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, जो ये ब्रांड है बेसिकली, ठीक है, इट इज अ कॉटन ब्रांड ऑफ इंडिया, कस्तूरी कॉटन भारत के नाम से जिसे जो ब्रांड है. अब इसे जो है जब वर्ल्ड कॉटन डे था 7 अक्टूबर को, ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को इस ब्रांड को जो है अनाउंस किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है जो ये कॉटन कस्तूरी कॉटन भारत है, ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, अलॉन्ग विद द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI एंड ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्रीज का. अब यहाँ पे MD एंड CEO आपके कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ललित कुमार गुप्ता, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट होस्टेड द अनुभव अवार्ड 2023 वेयर 4 इंडिविजुअल्स फ्रॉम 8 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स और एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर ऑनर्ड विद द अनुभव अवार्ड. अब ये जो अनुभव अवार्ड है ये आपके ये बेसिकली जो इवेंट था ये किसने होस्ट किया था? ये होस्ट किया था आपका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने, ठीक है? आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए. इसके साथ साथ यहाँ पे 9 जूरी सर्टिफिकेट्स जो है ये भी अवार्ड किए गए थे एंड दिस इज फर्स्ट टाइम कि ऐसा देखा गया है. टू फॉस्टर द ब्रॉडर पार्टिसिपेशन दी 9 जूरी सर्टिफिकेट्स वर ऑल्सो अवॉर्डेड, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे जो है जो हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था नेशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC पोर्टल फॉर द नेशन वाइड DLC कैंपेन 2.0 के लिए. अब यहाँ पे हम जो है अवॉर्डीज देख लेते हैं. इनका नाम है मोहम्मद जमशेद जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बिलोंग करते हैं, इसके मेंबर हैं. देन योगेश्वर चौधरी चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स CBDT. देन P दामोदर भट्ट जो सुपरिटेंडेंट है आपके RMS डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के. देन भोला राम ठाकुर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ DRDO, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द कतार मास्टर ओपन 2023 टाइटल हेल्ड एट अ लुसेल स्पोर्ट्स अरीना कतार. तो यहाँ पे कतार मास्टर ओपन जो है किसने जीता था? ये उज्बेकिस्तान के आपके प्लेयर हैं, इनका नाम है नोदिरबेक अब्दुसत्तोरव, ठीक है? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे सेकेंड रैंक आई थी आपके नोदिरबेक अब्दुसत्तोरव जो आपके अगेन उज्बेकिस्तान के हैं एंड थर्ड नंबर पे थे SL नारायणन जो इंडिया के आपके प्लेयर हैं, ठीक है? अब यहाँ पे विमेंस को भी अवार्ड दिया गया था, हालांकि यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं थी विमेंस की, बट ऐसी विमेंस जिनके स्कोर हाईएस्ट थे उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, ठीक है? जैसे पहले नंबर पे थे वैशाली रमेश बाबू जो इंडिया के आपके प्लेयर हैं एंड इन्हें 2021 में जो है इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल भी मिला है. देन दिव्या देशमुख जो इंडिया की अगेन प्लेयर हैं एंड अलुआ नूर मनोवा जो आपके कजाकिस्तान की प्लेयर हैं, ठीक है? इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है जो कृतिकेन मुरली हैं, ये थर्ड इंडियन बने हैं जिन्होंने बेसिकली जो ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन इनको जो है डिफीट किया है आफ्टर दी विश्वनाथ आनंद एंड हरि कृष्णा, ठीक है, जो इंडिया के प्लेयर हैं. नाउ इसके अलावा यहाँ पे एक कैटेगरी थी आपकी विनर्स ऑफ कतार मास्टर ओपन 2023 सेक्शन बी कैटेगरी. इसमें पहले नंबर पे आपके थे रुस्तम तेलतिनो जो फिलीपींस के हैं. देन मजूमदार श्रेयन सेकेंड नंबर पे थे इंडिया के एंड थर्ड पे थे UAE के प्लेयर, इनका नाम है सेदरानी अमर, ठीक है? Now next question is, the Padma Shri awardee Biren Nath Datta, an eminent Assamese scholar, linguistic and singer, recently in October passed away. In which year he was awarded with the Padma Shri for literature and education? So कौन से ईयर में इन्हें जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन की कैटेगरी में इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। तो 2009 में इनको ये अवार्ड दिया गया था पद्मश्री, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 12th जगतधारी हरमोहन दास लिटरेरी अवार्ड भी इन्हें दिया गया था, ठीक है। 2010 में इनकी बुक के लिए शंकर महादेव, मनीषा आरू, सांस्कृतिक उत्तराधिकार, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन्हें 2012 में जो है टैगोर रत्न अवार्ड दिया गया था संगीत नाटक अकादमी से, ठीक है। Now next question है, as per the International Migration Outlook 2023 published by the Organization for Economic Cooperation and Development, that is OECD, India has retained its position as a top country of origin for new migrants to the member countries of OECD in 2021 for the dash consecutive year. तो इंडिया जो है इस पोजीशन पे बना रहा था, पहली पोजीशन पे, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये रिपोर्ट थी आपकी OECD की, ये जो है 47th रिपोर्ट थी, जिसमें और क्या मेंशन किया गया था, दैट इज कि इंडिया जो है पहले नंबर पे था, जिसमें सबसे ज्यादा माइग्रेंट यहाँ से निकल के दूसरी कंट्रीज में जो OECD मेंबर्स कंट्री है वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड कंट्री आपकी आ जाती है चाइना, थर्ड पे आपका रहा है रोमेनिया, फोर्थ पे यूक्रेन एंड फिफ्थ पे रहा है आपका जर्मनी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या हाईलाइट्स थे, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के आपके लगभग 4 लाख से ज्यादा पीपल जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। इसमें जो है स्टूडेंट्स मेंशन नहीं किए हैं कि इनको छोड़ के बाकी इतने पीपल हैं जो इन्होंने माइग्रेट किया है इंडिया से OECD कंट्रीज में 2021 के डेटा के हिसाब से, जो आपका लगभग 7.5% था टोटल माइग्रेशन फ्लो का। तो सबसे ज़्यादा इंडिया से ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पे इसे 2020 से कंपेयर किया जाए तो ये लगभग 86% का ये डेटा यहाँ पे हमें मिला है इसका, ठीक है। इसके अलावा 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लाख इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है OECD मेंबर्स की, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप जो है कौन सा देश प्रोवाइड कर रहा है, तो पहले नंबर पे आपका आ जाता है कनाडा, ठीक है। कनाडा सबसे ज़्यादा ऑफर करता है सिटीजन, उसके बाद सेकंड नंबर पे USA आ जाता है आपका, ठीक है। अब यहीं पे ये डेटा आपका 2019 का 1.5 लाख था, तो इस बार उससे कम देखने को यहाँ पे मिला है सिटीजनशिप जिन्होंने एक्वायर की है, ठीक है। इसके अलावा चाइना, इंडिया और वियतनाम, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जो लीडिंग कंट्रीज बनी है ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन अ OECD कंट्रीज। तो बेसिकली इन 3 कंट्रीज से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो दूसरे देशों में जा रहे हैं फॉर द एजुकेशन पर्पस, ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए बेसिकली, ठीक है। अब नाउ आपका जो फोर्थ पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, कनाडा रिमेन द टॉप डेस्टिनेशन फॉलोड बाय लतविया, ऑस्ट्रेलिया, Germany, New Zealand and UK and USA for a Indian student pursuing education in OECD countries. तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हो रहा है पढ़ाई के लिए वो कनाडा में ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, जर्मनी, फिर UK USA। तो ये कंट्रीज़ आपके टॉप की हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है, जो बच्चे हैं, ये स्टूडेंट हैं, वो अपनी फर्दर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब स्टैटिक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। OECD के सेक्रेटरी जनरल आपको पूछे जा सकते हैं, जिनका नाम है मैथियास कॉर्मन, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है? इट इज इन दी पेरिस, फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोलियो डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी, ठीक है। इस बार कौन सा एडिशन था? तो 22वां इसका एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है। एंड यहाँ पे आपको नोट करना है कि 24 अक्टूबर की क्यों ये डेट रखी गई है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है जॉनस सल्क की, जिन्होंने सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था, ठीक है, ये याद रखना है। अब वर्ल्ड पोलियो डे जो है इसे एस्टैब्लिश किसने किया था? तो रोटेटरी इंटरनेशनल ने, टू कॉमरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जॉनस सल्क, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफाइड कब किया गया था फ्रॉम दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट इज The Baiga tribe becomes the second tribe of dash that has received the habitat rights under the Forest Right Act 2006. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जो ट्राइब है ये सेकंड ट्राइब बनी है ऑफ दी छत्तीसगढ़, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट ट्राइब के ऊपर, तो फर्स्ट ट्राइब जो है ये कौन सी है? इट इज कामर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? इनका नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state has launched iStar Talent Connect portal to boost employment opportunities? तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जिसने बेसिकली इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जा सके? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटिव है ये जॉइंट इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का और जयपुर बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है हायरफॉक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इन अक्टूबर स्टैब्लिश्ड एन अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी URIDA टू इम्प्लीमेंट दी CM दैट इज चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन CM ग्रिड स्कीम जिसका नाम है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज स्टैब्लिश्ड बाय दी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बेसिकली जो स्कीम है चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम इसके लिए जो है 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या बोल सकते हो यहाँ पे फंड जो है वो अप्रूव किया है ताकि जो बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रोड्स हैं वो यहाँ पे बनाई जा सके। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो आपका अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है इसका जो हेडक्वार्टर होगा ये कहाँ पे होगा आपका? ये लखनऊ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Recently in October, Union Minister Amit Shah inaugurates India's first nano डाई फॉस्फेट that is DAP liquid plant at Dash. तो आंसर आपका हो जाएगा that is इंडिया का पहला आपका नैनो DAP प्लांट जो है ये इनोग्रेट किया गया है कलोल में। ठीक है, कहाँ पे? कलोल इन गांधीनगर गुजरात। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके साथ साथ आपको ये भी नोट करना है कि लास्ट ईयर, ठीक है, 2022 में पीएम मोदी जी ने भी इनोग्रेट किया था वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड, कहाँ पे? कलोल में किया था। ये ध्यान में रखना है, जो आपका बेसिकली सेटअप किया था IFCO ने। ठीक है, अब ये वाला जो आपका प्लांट है ना फर्स्ट नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट ये भी आपका सेटअप किया है IFCO ने और इसका कॉस्ट कितना है? इट इज 300 करोड़ और ये सेकेंड IFCO प्लांट है जो गुजरात में सेटअप किया गया है। अब IFCO की बात की जाए तो IFCO के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है दिलीप शंघानी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसे 1967 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द SBI रिसर्च पेपर टाइटल PM Swanidhi स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज सोशल फैब्रिक एंड एम्पावरिंग ग्रासरूट मार्केट मेवरिक्स Nearly 10% beneficiaries of PM Swanidhi scheme are from the non-general category. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो SBI की आपकी रिसर्च पेपर था, ठीक है, इस पेपर के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे 75% बेनिफिशरीज जो हैं PM स्वनिधि के ये आपके नॉन जनरल कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइट किया गया था कि इस अब जो PM स्वनिधि है इसमें बेनिफिशरीज जो हैं आपके OBC कैटेगरी से वो कितने हैं? 44%। SC/ST की बात करें तो ये आपका 22% है और ओवरऑल जो टोटल बेनिफिशरीज हैं इनमें से 43% आपके जो हैं विमेंस हैं। ये भी ध्यान में रखना है। अब ये रिसर्च पेपर था इसे जो है किसने कैरिड आउट किया है? तो ये रिसर्च की है सौम्या कांति घोष ने जो ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है SBI की। ठीक है, इसके साथ साथ हमें नोट करना है PM स्वनिधि के बारे में। इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। PM स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, PM स्वनिधि जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे हम लॉन्च किया गया था आपका 1 जून 2020 को। इनिशियली इसका जो टेन्योर था वो 2022 रखा गया था, फिर इसे इंक्रीज करके एक्सटेंड करके 2024 कर दिया गया है। ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो पूरा इसका देखती है। ठीक है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं? टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन, टू इंसेंटिवाइज रेगुलर पेमेंट एंड टू रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इन सब का काम कौन देख रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो ये आपकी थी SIDBI। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अब लोन की बात हुई है कि बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन देने की यहाँ पे बात हुई है। तो इनिशियली यहाँ पे पहला जो लोन दिया जाता है वो 10,000 का दिया जाता है। ठीक है, जो आपका कोलेटरल फ्री लोन होता है और इसे 1 साल के लिए दिया जाता है। अगर पर्सन या जो वेंडर है वो इस लोन को रीपे कर देता है, ठीक है, उसके बाद ये एलिजिबल होता है सेकेंड लोन के लिए जो 20,000 का होता है और ये 2 साल के लिए आपका होता है, सॉरी 18 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है, देन थर्ड जो लोन आपको मिलता है, अगेन सेकेंड लोन रीपे कर देगा पर्सन, देन उसे थर्ड लोन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा जो आपका 36 मंथ में रीपे करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज Which of the following option is incorrect with respect to Pradhan Mantri अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना? ठीक है, अब ये जो योजना है बेसिकली ये आपका कॉम्बिनेशन है या बोल सकते हो बेसिकली दो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो हैं जिनका एम सेम ही था उसको यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, तो उसी पे बेस ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो पीएम अजय योजना है इज मर्ज स्कीम ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड सिंस 2021 टू 2022 विद एन एम टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। नेक्स्ट इज द स्कीम आर प्रधानमंत्री, मतलब जो इसमें मर्ज की गई हैं वो स्कीम कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू आपका शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छात्र आवास योजना। ठीक है, तो ये तीन इसमें मर्ज की गई हैं। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट क्या है? द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बोथ ए एंड बी एंड और ए बी एंड सी, तो करेक्ट यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट है आपके ए बी एंड सी। ठीक है, ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है तीन कंपोनेंट हैं आपके पीएम अजय के। कौन कौन से कंपोनेंट है? डेवलपमेंट ऑफ अ योर शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेज इन अ आदर्श ग्राम, ग्रांट इन एड फॉर स्ट्रिक्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट और सोशल फॉर अ सोशल इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल इन अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल एट दैट आर फंडेड बाय द सेंटर स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च द लोगो वेबसाइट एंड ब्रोशर ऑफ अ नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉर्पोरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट इन इंडिया। द एनसीईएल इज स्टैब्लिश ऑन डैश, तो एनसीईएल को कब स्टैब्लिश किया गया था? इसे स्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 2023 को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो एनसीईएल है इसे स्टैब्लिश किसने किया था? कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अंडर द मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, इसके तहत इसे जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA रिसेंटली इन अक्टूबर सेलिब्रेट इट्स डैश फाउंडेशन डे ऑन 20 अक्टूबर 2023 एट AIIA कैंपस न्यू दिल्ली दिल्ली। तो यहाँ पे इनका कौन सा फाउंडेशन डे था? तो इट वॉज दी 6th एडिशन। ठीक है, 6 फाउंडेशन डे था जो 20 अक्टूबर 2023 को जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया था, सेलिब्रेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की। तो इसके डायरेक्टर कौन है? तनुजा निसारी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो इवेंट हुआ था, इस इवेंट में यहाँ पे लॉन्च किया गया था न्यू मॉड्यूलर बायोलॉजी लैब फॉर एडवांस रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट यूनिट एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दक्ष, यहाँ पे लॉन्च किया गया था इसके कैंपस में। देन इस ओकेजन पे जो फाउंडेशन डे था, इस ओकेजन पे 6 MOU यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ साइन किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे जो यूनिट मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने एक स्टैच्यू यहाँ पे अनवील किया था लेट पद्मश्री पद्म विभूषण वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा का। ठीक है, इनका यहाँ पे जो ऑडिटोरियम था वहाँ पे एक स्टैचू जो है इन्होंने अनवील किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये पर्सनालिटी है जिनका स्टैचू यहाँ पे जो है अनवील किया गया है, इन्हें पद्म विभूषण जो है 2003 में दिया गया था। वहीं पे 1992 में इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पद्मश्री अवॉर्डी भीषण सिंह बेदी रिसेंटली इन अक्टूबर पास्ट अवे। ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो जो भीषण सिंह बेदी है ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी था हाईएस्ट विकेट टेकर का। ठीक है, अभी ये रिकॉर्ड किसके नाम पे है? रविंद्र जडेजा जी के नाम पे है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 2023 में ही इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है और इनका 65 मैच में 267 विकेट्स हैं, ये इनका रिकॉर्ड है। और जो भीषण सिंह बेदी जी है इनका रिकॉर्ड क्या था? 67 मैच में 266 विकेट्स का। ठीक है, ये याद रखना है। अब इन्होंने डेब्यू कब किया था? तो 1966 में ईडन गार्डन से इन्होंने जो है अपना डेब्यू किया था। ठीक है, अब ये जो है ये पर्सनालिटी जो है ये पहले प्रोफेशनल हेड कोच बने थे इंडिया के 1990 में, तो ये ध्यान में रखना है। अब अवार्ड्स इनके नाम पे कौन कौन से हैं? इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1970 में, अर्जुन अवार्ड 1969 में, अब 2004 में इन्हें बीसीसीआई द्वारा इन्हें जो कोलोनियल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द भारत टेक्स 2024 इवेंट। तो जो भारत टेक्स 24 इवेंट आपका होगा 2024 का, ये फरवरी में होगा अगले साल। इसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिया इज सेट टू होस्ट भारत टेक्स 2024 द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट फ्रॉम 26 टू 29 ऑफ फरवरी 2024 एट द भारत मंडपम एंड यशोभूमि इन न्यू दिल्ली Second is the event will be organized by the Consortium of Textile Export Promotion Council with the support of Ministry of Textile. अब recently यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने लॉन्च किया था फेयर लोगो, वेबसाइट एंड वीडियो ऑफ भारत टेक्स 2023। ठीक है, अब स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है और A, B, C आर करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो भारत टेक्स 2024 है बेसिकली इट इज अ एम्बोडियम ऑफ इंडियाज 5F विजन। क्या है ये 5F विजन? फार्म टू फाइबर, फैक्ट्री टू फैशन, टू फॉरेन। ठीक है, 5F विजन ये है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज पूछी जा सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट क्या है 2030 तक का। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन की, तो 250 बिलियन का इंडिया का जो है 250 बिलियन डॉलर का इंडिया का टारगेट है टेक्सटाइल प्रोडक्शन का। ठीक है, वहीं पे अगर एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है यहाँ पे 100 बिलियन US डॉलर का बाय 2030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI डेटा ऑफ स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डैश विल बिकम एशिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 विद अ GDP ऑफ 7.3 ट्रिलियन US डॉलर। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030 तक बनेगी इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। अगर अभी करंटली बात करें तो एशिया की टॉप इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं? पहला नंबर पे आपका आता है चाइना, दूसरा है जापान, तीसरे पे इंडिया है, चौथे पे साउथ कोरिया और पांचवे पे है इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये पांचों आपकी टॉप एशिया की इकोनॉमी है, टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो आपका PMI इंडेक्स है, ठीक है, इस इंडेक्स में ये भी आपको फोकस किया गया था इंडिया की जो GDP है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की, विच इज 6.2 to 6.3%। ठीक है, इसके अलावा अगर वर्ल्ड इकोनॉमीज की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमीज जो हैं टॉप इकोनॉमीज कौन आती है आपकी? सबसे पहला नंबर पे USA, देन चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया और UK। आप सभी को पता है इंडिया ने UK को जो है रिप्लेस किया था कुछ टाइम पहले ही। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें IMF की, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले ही, स्टेटमेंट दी थी 1-2 महीने पहले, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा था कि 2025 तक अगर इंडिया की परफॉर्मेंस ऐसे ही रही, ठीक है, ग्रो होता रहा इंडिया, तो 2025 तक इंडिया जो है 4th प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, जर्मनी को मतलब जर्मनी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, 2025 तक, और 2027 तक इंडिया जो है 3rd प्लेस पे आ जाएगा, मतलब जापान की जगह ले लेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी गई थी IMF के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर द नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NCL इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अ होली ओन सब्सिडरी NLC India Green Energy Limited to focus on a renewable energy initiatives. In which year NLC India was incorporated? तो इसे कब incorporate किया गया था? तो आंसर आपको हो जाएगा 1956 में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर B। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो NLC India Green Energy Limited है, जो सब्सिडी है बेसिकली, इसका टारगेट है 2030 तक इनकी 5 GW कैपेसिटी जो है बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट 5 GW कैपेसिटी का ये स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा NLC इंडिया की CMD की बात करें, जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में आपका पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली और इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन डिसआर्ममेंट वीक 2023 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम डैश 2023। सो आपका जो यूनाइटेड नेशन डिसआर्ममेंट वीक है ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका 24 से 30 अक्टूबर को। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इस डे में, इस वीक में बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन डिसआर्ममेंट वीक है, इस वीक में जो इवेंट आपका होता है ये कौन ऑब्जर्व करता है? इट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्ममेंट अफेयर्स। ठीक है, बेसिकली UNODA जो है यहाँ पे इवेंट जो है इनको ऑर्गेनाइज करता है। अब UNODA के बारे में देख लेते हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है इजुमी नाकामित्सु और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्रीटोन कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर रिसीव्ड सेकेंड टाइप सर्टिफिकेशन और टाइप 2 सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ डीसीजीए विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन की, ठीक है, फॉर इट्स एग्रीकल्चरल ड्रोन। तो रिसेंटली जो आपकी पारस एरोस्पेस है, ठीक है, इस कंपनी को यहाँ पे टाइप 2 सर्टिफिकेशन दिया गया है डीजीसीए के द्वारा। इसके जो आपका एग्री ड्रोन है विच इज पारस एग्रीकॉप्टर वर्जन 2.1, ठीक है, विच इज मीडियम ड्रोन कैटेगरी, ठीक है, मीडियम ड्रोन कैटेगरी के अंडर बेसिकली से टाइप 2 सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पे इसी साल 2023 में, ठीक है, इसी साल अप्रैल के मंथ में जो पारस एरोस्पेस है इन्हें टाइप सर्टिफिकेट भी दिया गया था डीजीसीए के द्वारा फॉर इट्स पारस एग्रीकॉप्टर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन अक्टूबर 2023 द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑनर्ड two Indo-American scientists with a USA highest award for science and technology. Identify these two scientists. तो आपका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सुरभा सुरेश और अशोक गडगिली। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी आर राइट। तो ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं इन्हें जो बाइडेन जो करंट प्रेसिडेंट है यूएस के, ठीक है, इन्होंने अवार्ड दिया है। जो सुरभा सुरेश जी हैं इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया गया है, अशोक गडगिल जी को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ की जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी ये व्हाइट हाउस में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है जो सुरभा सुरेश जी हैं ये आपके नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है, नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है, ठीक है, इसके डायरेक्टर बनाए गए थे। क्या बनाया गया था? डायरेक्टर बनाया गया था 2010 से 2013 के बीच में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहले एशियन बॉर्न अमेरिकन थे जिन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर बनाया गया था, ठीक है। Now next is name the Indian player who won men's women's single title in a Abu Dhabi Master 2023. So आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा that is, इनका नाम है उन्नति हुड्डा, ठीक है। क्या नाम है इनका? उन्नति हुड्डा। Now बाकी टाइटल्स देख लेते हैं। जैसे विमेंस डबल टाइटल की बात करें तो यहाँ पे विनर आपके हैं इंडियन प्लेयर अश्वनी बुनापा एंड तनिषा क्रास्तो, ठीक है। मिक्स डबल के यहाँ पे बात करें तो विनर आपके थे डेनमार्क के प्लेयर मैच वेस्टरगार्ड एंड क्रिस्टीन बुश। मेंस डबल में विनर आपके यहाँ पे थे मलेशिया के प्लेयर। मेंस सिंगल की बात करें यहाँ पे विनर थे आपके डेनमार्क के प्लेयर मैच क्रिस्टोफर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर विच बैंक सीमलेसली इंटीग्रेटेड देयर पेंशन पोर्टल्स इनटू अ इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। तो इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है इनके जो पोर्टल्स हैं उनको कंबाइन किया जाता है। जो हमारे वेरियस बैंक्स हैं जो पेंशंस देते हैं बेसिकली या जिनके थ्रू पेंशंस डिसबर्स होती है उनके पोर्टल्स के साथ इन्हें कंबाइन कर दिया जाता है ताकि जो यूज़र है वो एक ही जगह पे सारी फैसिलिटीज़ को जो है एक्सेस कर सकें, ठीक है। अभी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पहला आपका बैंक बना था या पहला फर्स्ट पेंशन डिसबर्सिंग बैंक बना था जिसने इंटीग्रेट किया था अपना पेंशन सेवा पोर्टल किसके साथ? भविष्य के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पे पोर्टल हैं आपके, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के पोर्टल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी इनका डिटेल भी देख सकते हो। भविष्य, फिर आपका अनुभव हो गया, पेंशन पोर्टल हो गया, सी पेनग्राम्स हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा CGHS हो गया, संकल्प हो गया, जीवन प्रमाण हो गया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ पेप्सिको इंडिया पोटैटो चिप्स ब्रांड लेज। तो लेज के आपके जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आप सभी को पता है, इट इज MS धोनी। अब MS धोनी जी जो हैं ये आपके जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। Now next is which country recently in October successfully conducted a training launch of a Ghori weapon system, a medium-range road mobile ballistic missile system. तो आंसर आपका हो जाएगा ये टेस्ट फायर किया था पाकिस्तान ने, ठीक है। और पाकिस्तान ने रिसेंटली जो है एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट भी कंडक्ट किया था किसका? अबाबील वेपन सिस्टम का, द बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान से टेस्ट फायर किया गया था, ठीक है। अब पाकिस्तान के अभी करंट PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है अनवरुल हक करर, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है आरिफ अलवी। क्या नाम है? आरिफ अलवी। ये आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर PM की बात करें इनका नाम है अनवरुल हक कक्कर, ठीक है। कैपिटल आप सभी को पता है इस्लामाबाद है, ठीक है, एंड करेंसी क्या है, इट इज पाकिस्तानी रूपी, ठीक है। Now next question is, recently in October the Indo-Tibetan border police celebrated its 62nd raising day on 24th October 2023. Who is the current Director General of ITBP? तो अभी 24th अक्टूबर को 62nd रेजिंग डे मनाया था ITBP ने, ठीक है। अब करंट डायरेक्टर जनरल कौन है इनके, इनका नाम है अनीश दयाल सिंह, ठीक है। क्या नाम है, अनीश दयाल सिंह। और ITBP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसे 1962 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next is, name the organization that recently in October approved the $400 million US dollar loan to India to enhance infrastructure quality and provide assured public services and efficient governance system. तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस लोन को अप्रूव किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसने जो सब प्रोग्राम 2 है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसके तहत ये अमाउंट जो है वो उसका अप्रूवल दिया है। अब जो सब प्रोग्राम 2 है बेसिकली इट्स अ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम, एंड ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये इम्प्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद द गाइडेंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब इसका जो सब प्रोग्राम 1 था उसे कब सेंक्शन किया गया था, तो 2021 में से सेंक्शन किया गया था। और अभी 2023 में यहाँ पे कितना अमाउंट दिया गया है, 4000 मिलियन US डॉलर लोन, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।